गाइस वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल। दोस्तों आज हम इस वीडियो में Oppo F9 Pro के साथ कंपैरिजन करेंगे Nokia X6 को। और दोस्तों फाइनली यहाँ पे Nokia X6 Nokia 6.1 Plus नाम से इंडिया में लॉन्च होगा बहुत ही जल्दी। और दोस्तों Oppo F9 Pro भी बहुत ही जल्दी दिखने को मिल जाएगा। आज हम इस वीडियो में इन दोनों स्मार्टफोन की कंपेरिजन, फुल डिटेल, ओवरव्यू और दोस्तों कब तक लॉन्च होगा इंडिया में, प्राइसिंग क्या होगा इन दोनों स्मार्टफोन की, प्राइसिंग के अकॉर्डिंग कौन सा स्मार्टफोन आपको बेस्ट होगा, कौन सा स्मार्टफोन में आपको बेस्ट फीचर के साथ दिखने को मिल जाएगा, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। सो गाइज प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना। देखने के बाद आपको भी थोड़ी बहुत आइडिया मिल जाएगा कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट होगा 2018 में, प्राइसिंग के अकॉर्डिंग और फीचर के अकॉर्डिंग। सो गाइज प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। देखने के बाद सब्सक्राइब कीजिए टेक 42 चैनल को और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। तो दोस्तों देखते रहिए मेरे साथ कंपेरिजन बिटवीन Nokia X6 और 6.1 Plus वर्सेस Oppo F9 Pro, फुल डिटेल कंपेरिजन, ओवरव्यू, लॉन्च डेट, प्राइस इन इंडिया। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल डिज़ाइन के बारे में बात की जाए तो दोनों फोन्स में आपको प्रीमियम ग्लास बॉडी डिज़ाइन दिखने को मिल जाएगा फ्रंट एंड बैक साइड में। फ्रंट में आपको नॉच मिलेगा दोनों फोन्स में, लेकिन दोस्तों Oppo F9 Pro में आपको जो नॉच मिलेगा काफ़ी छोटा सा, काफ़ी अलग नॉच सेटअप के साथ सबसे छोटा नॉच दिखने को मिल जाएगा Oppo F9 Pro में। और दोस्तों यहाँ पे Oppo F9 Pro में आपको 6.3 इंच की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिलेगा विद एस्पेक्ट रेशियो 19:9, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो ऑलमोस्ट आपको 90% मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे Nokia 6.1 Plus में आपको मिलेगा 5.8 इंच की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले विद एस्पेक्ट रेशियो 19:9, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो ऑलमोस्ट आपको 85% मिल जाएगा। दोनों स्मार्टफोन की अगर रैम रोम चिपसेट के बारे में बात की जाए तो Nokia 6.1 Plus में आपको मिलेगा Snapdragon 636 के साथ दोनों वेरिएंट का रैम रोम, 4GB रैम, 64GB इंटरनल मेमोरी। और दोस्तों यहाँ पे मिलेगा और एक वेरिएंट 6GB रैम विथ 64GB इंटरनल मेमोरी के साथ Nokia X6 और Nokia 6.1 Plus मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे Oppo F9 Pro में आपको मिलेगा MediaTek Helio P60 का चिपसेट। और दोस्तों यहाँ पे अगेन आपको 4GB रैम, 64GB इंटरनल मेमोरी और एक वेरिएंट होगा 6GB विद 64GB इंटरनल मेमोरी के साथ Oppo F9 Pro दिखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन में काफ़ी अच्छा स्पेसिफिकेशन के साथ साथ ही आपको काफ़ी अच्छा हार्डवेयर मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे Oppo F9 Pro का जो MediaTek Helio P60 होगा ये Snapdragon 660 के साथ कम्पीट करेगा। और दोस्तों दोनों स्मार्टफोन की कैमरा के बारे में बात की जाए तो Nokia X6 और 6.1 Plus में आपको मिलेगा 16+5 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम सेंसर बैक साइड में। और दोस्तों फ्रंट में आपको मिल जाएगा 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा फ्रंट में। दोस्तों यहाँ पे Oppo F9 Pro में आपको मिलेगा बैक साइड में 16+2 मेगापिक्सल का डिप सेंसिंग कैमरा, फ्रंट में आपको मिल जाएगा हाई रेजुलेशन 25 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा। क्योंकि यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन में आपको काफ़ी सारे AR स्टिकर, AI फीचर कैमरा दिखने को मिल जाएगा। दोनों स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में बात की जाए तो Nokia 6.1 Plus में आपको मिलेगा 3060 mAh की बैटरी विद Qualcomm 3.0 फर्स्ट चार्जिंग, USB Type-C पोर्ट। दोस्तों यहाँ पे Oppo F9 Pro में आपको मिलेगा 3500 mAh की बैटरी और दोस्तों VOOC फर्स्ट चार्जिंग मिल जाएगा। दोस्तों ये VOOC फर्स्ट चार्जिंग काफ़ी अच्छा होगा, 5 मिनट चार्ज करने पे आपको पूरा 2 आवर का टॉक टाइम मिल जाएगा। दोस्तों दोनों फोन्स में आपको एंड्रॉयड ऑडियो आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा। और दोस्तों ColorOS के साथ यूज़र इंटरफेस मिल जाएगा Oppo F9 Pro में, Nokia X6 में आपको मिलेगा और 6.1 Plus में आपको स्टॉक एंड्रॉयड दिखने को मिल जाएगा। दोनों फोन्स में आपको मिल जाएगा फेस आईडी की सिक्योरिटी, फिंगरप्रिंट सेंसर होने के साथ साथ ही। गाइस फाइनली प्राइसिंग के बारे में, लॉन्च डेट के बारे में बात की जाए तो Nokia 6.1 Plus एंड Oppo F9 Pro दोनों स्मार्टफोन अगस्त में लॉन्च होगा। Oppo F9 Pro 21 अगस्त लॉन्च होगा। इस फ़ोन की जो प्राइस होगा 20 से लेकर 25,000 के आसपास में। और दोस्तों Nokia 6.1 Plus की जो प्राइस होगा 18 से लेकर 20,000 के बीच में। तो गाइस मेरे हिसाब से दोनों स्मार्टफोन के बारे में यही थी दोस्तों। प्राइसिंग यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा लगा मुझे। और दोस्तों बाकी अदरवाइज सब कुछ ठीक है। दोनों फोन्स में ही आपको काफ़ी अच्छा स्पेसिफिकेशन मिलेगा, बहुत ही प्रीमियम डिज़ाइन दिखने को मिल जाएगा। सो गाइस मेरे हिसाब से इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में यही थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। और दोस्तों कमेंट करके बोलिए अपना थॉट, अपना ओपिनियन, इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट होगा। सो थैंक यू दोस्तों, गुड बाय एंड टेक केयर।